रेस्टोरेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले कितने बड़े फूडी हैं आप? मैं बहुत फूडी हूँ और इस चक्कर में मैं अंधेरी से मुलुंड आ गया खाने के लिए। और सबसे बड़ी बात की जो थीम है राधा कृष्ण थीम, ये इस चीज़ ने मुझे ज़्यादा एक्साइट किया, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। एंड भाई 56 भोग हैं और सात्विक भोजन है, तो इससे बेहतरीन चीज़ क्या हो सकती है? तो मैं तो जितने तमाम लोग हैं सर से मिलिए। जी, मैं आपके रेस्टोरेंट की तारीफ कर रहा था सर, कि मैंने कहा देखिए बहुत अमूमन होता क्या है कि रेस्टोरेंट तो कई सर बेसिकली जब भी मधुबन का हमने मधुबन थीम हमने जब भी फाइनल किया था, मतलब उसके ऊपर हमें आगे बढ़ना है, बिकॉज लॉर्ड कृष्णा जिसके हम मन से डिवोटी है, जी हमारे अंधेरी से आए हैं, चर्चगेट से आए हैं, भिवंडी से भी हमारे जो इन्वाइटी है भिवंडी से भी, मतलब ऐसे मुंबई के चारों तरफ से हमने जो बुलाया वो मतलब वो खुद होके आए हुए हैं। ये बहुत एकदम हमारे लिए सौभाग्यपूर्ण बात है। वो क्या है ना, धार्मिक स्थल पे जाने के लिए जो है आदमी ना वो देखता है कि कितनी दूर है और कितना वक्त लगेगा, वो धार्मिक स्थल पर आ जाता है। तो सर का जो ये जो रेस्टोरेंट है, ये थीम बेस्ड रेस्टोरेंट है, ये धार्मिक स्थल ही हो गया एक तरह से। तो आप आइए, राधा राधा कहिए, हरे कृष्णा कहिए, और आकर के जो है मैं कहता हूँ कि डिनर और लंच नहीं, प्रसाद खाइए, शांति मिलेगा। यस, एक्चुअली मन की शांति, आपने जो वर्ड एकदम सही कहा है कि न कि पेट की तृप्ति, मन की तृप्ति भी होनी चाहिए। मतलब जब भी मतलब हमारी शुरुआत जब भी होती है, अभी मेरे खुद के दो बैंक्वेट्स हैं, जब हम खाना बनाते हैं तभी हम लोग जो हमारे महाराज होते हैं उनको ऑलवेज खुश रखने की कोशिश, बिकॉज जब भी वो खुश रहते हैं तभी वो खुश जो मन से खाना बनाते हैं वही खुशी जो लोग खाना खाते हैं उनमें वो पहुँचती है, और ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। तो वही भाव है, वही कंसेप्ट है जो हम यहाँ पे उतारना चाहते हैं। फैमिली है, अभी हमारा इंट्रोडक्टरी ऑफर है जिसमें 555 में पूरा 56 भोग, मतलब जो कृष्णा का फेवरेट भोग रहते हैं, 56 आइटम्स, 56 डिफरेंट अलग प्रकार के व्यंजन हमने यहाँ पे रखे हुए हैं 555 रुपये इंक्लूडिंग टैक्सेस। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी ऑफर फिलहाल चालू है, एंड डेफिनेटली जो ग्रुप बुकिंग्स है उनके लिए हम लोग अगर वो कॉन्टैक्ट करते हैं तो हम लोग उनके लिए कुछ ना कुछ ऑफर्स रखेंगे जरूर। होम डिलीवरी भी होगा या फिर? फिलहाल हमने होम डिलीवरी चालू नहीं किया, बट डेफिनेटली इन फ्यूचर होम डिलीवरी भी चालू होगी। क्लब बहुत चले गए, बड़े बड़े लाउंज में बहुत बैठ गए, थोड़ा सात्विक भोजन, सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक म्यूजिक ये होना चाहिए। और सर ने बड़ा अच्छा प्रयास किया है, और मैं सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस प्रयास के लिए, और ऑल द बेस्ट भी कहता हूँ, और उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है और 5-10 जो है रेस्टोरेंट थीम बेस्ड रेस्टोरेंट इस तरह के जो है ना सिर्फ इस शहर में होंगे बल्कि ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। यार वेज में कहना तो आलू पूरी मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या होगा, मतलब मैं यहाँ आया हूँ तो ऐसी कुछ देखूँगा। तो आज ट्रेडिशनल सब्जियाँ भी हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, डेफिनेटली, मतलब बैंगन से लेके गवार से लेके बहुत अच्छे, मतलब जो ट्रेडिशनल फूड हम जी जो इंडिया में, और अमूमन ट्रेडिशनल फूड जो है वो एक्चुअली बहुत कम देखने को मिलता है खासकर थीम बेस्ड रेस्टोरेंट के अंदर। तो सर ने जो लाया है तो ये बहुत बढ़िया है सर, तो इसको लुत्फ उठाइए आप भी, और आपके माध्यम से जितने तमाम लोग जो है ना सिर्फ मुंबई के बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से देख रहे होंगे, जब भी मुंबई आएंगे मुलुंड आइए, और यहाँ पर जो है मधुबन रेस्टोरेंट में ज़रूर आइए और लुत्फ उठाइए अच्छे व्यंजन का। सर आप बटर आलू पूरी तो है, बट उसके साथ में अमरस पूरी भी है। अरे मेरा फेवरेट है। अरे चलो हटाओ यार, क्या बात कर रहे हो। So, Madhuban, everyone knows about Madhuban, it's a forest जहाँ पे कृष्ण एंड गोपी का हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया हुआ है, जहाँ पे हमने वेज पाली सिस्टम आपको कंटिन्यू मिली, बट डेफिनेटली बुफे सिस्टम फॉर दी वेज लवर्स, एक कोशिश है वेज ऑडियंस के लिए।
गणपति के फेस्टिवल में जाते हैं, तो छप्पन भोग का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इट्स एंटायरली डिफरेंट. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट इज छप्पन भोग में क्या क्या आइटम्स हैं. वेरी एक्साइटेड. आपके छप्पन भोग में सबसे आपके फेवरेट डिश है? ऐसे तो मुझे प्लेन खाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे कढ़ी चावल अच्छा लगता है, लेकिन देखते हैं कि कढ़ी चावल के अलावा यहाँ पर और दूसरे कौन से आइटम्स हैं, क्या वैराइटीज हैं, हर शो मुझे उसमें से भी कुछ और अच्छा लगने लगेगा कढ़ी चावल के अलावा. मैम आपकी कढ़ी पूरी की अगर आप बात करो तो मुझे बहुत मज़ा आता है मीठा खाना, लेकिन जो फील्ड में मैं फील्ड तो छोड़ दूँ, लेकिन आजकल सबके लिए हेल्थ कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी खाना ज़रूरी है, तो जितना भी एक्साइटमेंट हो उसे हमें कंट्रोल में रखना भी हो जाती है.
इसलिए हम जल्दी भी आ गए हैं ताकि देर तक खाते रहेंगे पूरे के पूरे 56 आइटम खाते जाए। Thank you so much. Thank you. 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 Thank you.